यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे जिसे मैंने ये गोल शेप में काट लिया है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल चाहेंगे जैसे कि 2 टेबल स्पून रेड बेल पेपर, अगर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। 2 टेबल स्पून स्लाइस्ड अनियन, 2 टेबल स्पून येलो बेल पेपर, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च दैट्स कैप्सिकम, 1 टेबल स्पून कैरेट यानी कि गाजर। इसके अलावा इसमें कुछ बूंदे जाएंगे नींबू की जो कि मैं अंडे में जब अंडा यूज़ करूँगी तब उसमें ऐड करूँगी। तो ये थी वो चीज़ें जो इस रेसिपी में जाएंगी। अगर आपके पास रेड और येलो बेल पेपर ना हो तो आप स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं ये डालें। आप शिमला मिर्च और बाकी चीज़ों से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले ब्रेड स्लाइस ले लीजिए, उसको लगाइए पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस होममेड है, मैंने खुद बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस पर लगा लिए पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर डाल देंगे हम मोज़रेला चीज़, बीच में डालेंगे क्योंकि हमें साइडों से बंद करना है। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए, एक एक दो दो पीसेस सब तरह के ताकि सबका फ्लेवर आए जब बाइट लें तो। और इसको ऊपर हम डालेंगे पिंच ऑफ ओरिगानो, पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स और फिर से हम डाल देंगे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये देखिए ग्रीन हॉट सॉस है, जलेपिनो सॉस जो कि मैंने खुद बनाई थी घर में। आप इसके 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए, आप इसके 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, बहुत कम डलेगी ये क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती है। ये डालने के बाद थोड़ा पानी लगा देंगे, दूसरा स्लाइस लेके इसके ऊपर लगाऊंगी टोमेटो केचप और इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे क्योंकि दूसरे वाले में जगह नहीं है। तो हम इसके चारों तरफ सब जगह पानी लगा देंगे और प्लेस कर देंगे यहाँ पर और दबा देंगे हल्का सा। अंडे में डाल एक अंडा ले लिया मैंने, इसमें डाल रही हूँ पिंच ऑफ ओरिगानो, पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स ताकि थोड़ा फ्लेवर आए और डाल रही हूँ पिंच ऑफ ही सॉल्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल रही हूँ ताकि स्मेल नहीं आए, जो अंडे में से कम उमन आती है। सिर्फ 2-3 ड्रॉप डालें आप लेमन जूस की और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून का करीब मिल्क, ये देखिए ब्रेड क्रम लिए मैंने 2 कप का करीब। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम में कोट करेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं ले रही हूँ, ऑयल गर्म कर रखा है मैंने, मैं डिप कर रही हूँ बहुत केयरफुली डिप करना है इसे। फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे दोनों तरफ से डीप फ्राई कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए मैंने सब फ्राई करके निकाल लिए हैं, टिश्यू पेपर पर रख लिया ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर मैं सलाद पत्ता रख रही हूँ, उसमें मैं इसे डेकोरेट करूँगी थोड़ा थोड़ा तोड़ के और आप इसे प्लेट में रख दीजिए। तो लीजिए बनकर रेडी है क्विक एंड ईजी मिनी पिज़्ज़ा पॉकेट्स। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।